हेलो दोस्तों, मैं परवेज, महिंद्र ट्रीज यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि पीडीएफ फाइल पर वाटरमार्क सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पीडीएफ फाइल बनाते हैं और चाहते हैं कि आपके पीडीएफ फाइल में आप वाटरमार्क ऐड करेंगे, चाहे वो आपका वाटरमार्क लोगो हो या फिर कोई टेक्स्ट आपका नाम हो, तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो को देख कर आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पीडीएफ फाइल पर वाटरमार्क सिग्नेचर ऐड करने के लिए आज हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के मदद से आसानी से पीडीएफ फाइल के अंदर वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं यूज करूंगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2016। तो दोस्तों, आप अगर ओल्ड वर्जन यूज करते हैं तब भी ये काम करेगा, अगर आप 16 यूज करते हैं तब भी ये काम करेगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको पहले एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करना होगा। तो जब आप पीडीएफ फाइल क्रिएट करते हैं तब भी दोस्तों आपको वाटरमार्क ऐड करना होगा। मान लीजिए आप कोई पीडीएफ फाइल लिख रहे हैं, अभी हाल ही में लिख रहे हैं, उसको आप बाद में पब्लिश करेंगे, तो आप उसमें दोस्तों वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। वाटरमार्क ऐड करने के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। मान लीजिए आप कोई पीडीएफ फाइल बनाया है फ्री वर्सन, और आप चाहते हैं कि उसको आप अपने वेबसाइट या फिर आप किसी भी सोशल साइट फेसबुक पर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो दोस्तों या फिर आपके ग्रुप पर, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके पीडीएफ फाइल को कोई अपने नाम पर दोस्तों चला ले, तो इससे क्या होगा, वो कॉपी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने पीडीएफ फाइल पर दोस्तों एक वाटर मार्क ऐड कर देते हैं, उस पर आप अपना ब्लॉग का नाम या फिर आप अपना नाम ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों उसको कोई एडिट नहीं कर पाएगा और वो दोस्तों कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको क्रेडिट मिलेगा, ये आपका ही पीडीएफ फाइल है। तो वाटरमार्क एक पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों जो कुछ टेक्स्ट आप डालना चाहते हैं अपने पीडीएफ फाइल पर, मान लीजिए आप पीडीएफ फाइल लिख रहे हैं इस तरह, तो इस तरह लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके नीचे ये जो टेक्स्ट है दोस्तों, वाटरमार्क आपके इस टेक्स्ट के एकदम नीचे दोस्तों होगा, टेक्स्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, डिज़ाइन पर जाना होगा। डिज़ाइन पर जाने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड से क्लिक करना होगा वाटर मार्क बटन पर, ठीक है। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको इधर देखिए बहुत सारा दोस्तों ऑप्शन मिल रहा है आपको, इधर देखिए कुछ दे रहा है चार ऑप्शन, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, डोंट कॉपी वगैरह, डोंट कॉपी, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इस पर जो लिखा है दोस्तों वही आपका वाटर मार्क इधर बन जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप अपना खुद का फोटो या फिर कोई आपका ब्लॉग का लोगो, वेबसाइट का लोगो, या आप अपने नाम देना चाहते हैं, तो आपको क्लिक करना होगा कस्टम वाटरमार्क बटन पर। तो आप सिंपली कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों आपका सामने इस तरह एक टैब ओपन हो जाएगा। तो इधर देखिए दोस्तों, आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक पिक्चर वाटरमार्क और एक टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक है। तो अगर आप पिक्चर वाटरमार्क देना चाहते हैं, तो आपको सिंपली पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, चूज फोटो पर क्लिक करके जिस लोगों को या जिस फोटो को आप वाटरमार्क के साथ यूज करना चाहते हैं, आपको वो फोटो आपके कंप्यूटर से दोस्तों आपको चूज कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क यूज करना चाहते हैं, तो आपको टेक्स्ट वाटरमार्क को दोस्तों आपको चूज कर लेना होगा। तो मैं टेक्स्ट वाटरमार्क कैसे डालते हैं आज हम आपको दिखाएंगे। तो सिंपली टेक्स्ट वाटरमार्क को चूज कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज जो सिलेक्ट हुआ है वही सिलेक्ट रखने दीजिए। अगर आप हिंदी वगैरह करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कर सकते हैं, आपको वो भी ऑप्शन दोस्तों इधर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको टेक्स्ट ऑप्शन पर दोस्तों देखिए, इसको आपको रिमूव करना होगा, इस नाम को उधर। उसके बाद दोस्तों आपको इधर अपना नाम देना होगा, जो आप नाम देना चाहते हैं वाटरमार्क की जगह। तो मैं माई हिंदी ट्रिक्स दोस्तों दे देता हूँ, ठीक है। तो आप अपने नाम दे दीजिए, इधर से आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं, जो फॉन्ट आपको पसंद है आप वो दे सकते हैं। साइज दोस्तों ऑटो रख दीजिए, कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो ग्रे कलर है दोस्तों यही बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इधर से हॉरिजॉन्टल का जो फॉन्ट, जो स्टाइल लेआउट है दोस्तों, वो भी आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं दोस्तों डिफॉल्ट ही रख देता हूं। उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई या फिर ओके बटन, दोनों में से किसी भी एक पर क्लिक करना होगा। तो सिंपली आप क्लिक कर दीजिए, जब भी आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, इधर देखिए थोड़ा सा हल्का सा देखिए माई हिंदी ट्रिक्स लिखा है, देखिए वर्ड के नीचे, तो ये यही है दोस्तों वाटरमार्क। तो ये आपका पूरा टेक्स्ट के नीचे दोस्तों होगा, इधर भी जितना देर आप लिखेंगे दोस्तों, वो स्टेप बाय स्टेप हर एक पेज में दोस्तों ये नाम दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, देखिए कोई एडिट ऑप्शन नहीं आएगा। जब भी आप कुछ सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपका टेक्स्ट ही सिलेक्ट होगा, ठीक है, आपका जो वाटरमार्क है दोस्तों ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों यही है वाटरमार्क। अगर आप चाहते हैं कि वाटरमार्क को आप रिमूव करेंगे तो कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको क्लिक करना होगा फिर से वाटरमार्क। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए इधर
ऑप्शन मिलेगा रिमूव वाटरमार्क, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका वाटरमार्क दोस्तों रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों यही एक काम आपको करना होगा जब आप वर्ड पर कोई पीडीएफ फाइल बना रहे हैं, तब भी दोस्तों आपको ये काम करना होगा, वाटरमार्क ऐड करने का काम, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि पीडीएफ फाइल पर वाटरमार्क कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।